बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे अपनी 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 फैमिलीज़ के साथ। चलें जी, आज हमारे किचन में इंस्टेंट जो भुना हुआ गोश्त बन रहा है, इसके लिए देखें ये मैंने पैन रख दिया है, उसके अंदर मैं गोश्त डाल रही हूँ। मैंने बीफ बीफ लिया है और मेरे पास बोनलेस है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, विद बोन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये सब कुछ आपने इस पैन के अंदर डाल देना है, ये मैं ठीक है, और इसको कवर करके रख देना है, और बहुत झटपट सा आपका जो भुना हुआ गोश्त है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने दो प्याज लिए हैं, उनको मैंने ज़रा मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है, और ये मैंने दो टमाटर लिए हैं, वो भी काट के डाल दिए हैं अंदर, और ये दो टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है, ठीक है, वो भी ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून भर के मैंने लिया है चिली पाउडर, वन टेबल स्पून लेवल्ड जो है वो सॉल्ट है, और वन टी स्पून टर्मेरिक पाउडर है, ठीक हो गया, ये ऐड कर दिया। अब इसके अंदर 3 कप जो है ना वो पानी ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। आप ये हिसाब रखिएगा पानी का कि आप पानी ऐड करें तो थोड़ा सा ना बस पानी ऊपर आना चाहिए, हल्का सा, जो भी चीज़ आपने डाली उसके अंदर, उसमें जब आप पानी डालेंगे ना तो हल्का सा पानी उसके अंदर आना चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ उसके अंदर डिबोनी नहीं है पानी के अंदर, इस हिसाब से आपने पानी डालना है। और ये देखें, ये मैंने कुकर बंद कर दिया, इसके ऊपर हम रख देंगे वेट, और इस जब ये चलना शुरू हो जाता है तो 15 से 20 मिनट के बाद ये देखें मैंने इसको खोल लिया है, ठीक हो गया। अब मेरा ये जो गोश्त था ये मेरा 15 मिनट में ठीक हो गया था, टेंडर हो गया था, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से, अगर आपका गोश्त ज़्यादा टाइम ले तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे लें, ठीक हो गया। और ये आपके गोश्त पे और आपके पॉट पे जो है ना वो डिपेंड करता है, ठीक हो गया। अब हम ये देखें, पानी, थोड़ा सा पानी है, इसको हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे, ठीक है, और ड्राई करके तो हम इसको भून लेंगे, और ये झटपट से तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़े का होता है, और फटाफट जो है ना रेडी हो जाता है। ये देखेंगे इसमें जो पानी है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो ड्राई हो गया हुआ है। अब हम इसके अंदर अपना ऑयल ऐड कर देते हैं, ये मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया इसके अंदर। ऑयल ऐड करके अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, ठीक हो गया। इतना भूनना है आपने कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, ठीक हो गया। ये देखें, ये इसको मैं भून रही हूँ अच्छी तरह से ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये काफ़ी अच्छे से भून रहा है। आप चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून यहाँ पे आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर लिए थे, इस वजह से मैं यहाँ पे दही नहीं ऐड कर रही हूँ। ये कुछ मैंने होल स्पाइसेस लिए हैं, ठीक है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, ब्लैक पेपर है, ठीक है, वो मैंने सारी ऐड कर दी है। ये ऐड करने से एक तो टेस्ट अच्छा आता है, और फिर जो गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो भी नहीं आती, ठीक है। ये देखिए, हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी है, भुन गया है, हमारा भुना हुआ गोश्त रेडी हो गया है। ये देखिए, इसने ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो गया है उसमें, उसके मसाले में से, ठीक है। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए दैट्स मीन के आपका जो गोश्त है वो भुन गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची मैंने काट के रखी हुई थी वो मैंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। ये सब्ज़ मिर्चें इस टाइम पे डालने से ये हल्की सी बीच में फ्राई हो जाती हैं और कुछ बस हल्की सी रह जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा इनका टेस्ट इस टाइम पे आता है, ठीक हो गया। ये देखें, बहुत अच्छी लगती हैं ये सब्ज़ मिर्चें इस टाइम पे इसके अंदर ऐड की हुई। और ये देखें, ये हमारा गोश्त रेडी हो गया है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके साथ ही जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिले। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फी अमान अल्लाह।